पर संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर सामान्य चिकित्सालय के बाहर नर्सेज का धरना बंद रहे दिन भी धरना जारी रहा। आज नर्सेज कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अस्पताल में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर अस्पताल परिसर में खड़े होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कल से ब्लॉक स्तर पर कार्य बहिष्कार होगा। प्रदर्शन के दौरान अधिकारी संगठन से जुड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता सहित अनेक नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे। नर्सिंग अध्यक्ष राजपाल यादव ने बताया कि धरने के पहले दिन कर्मचारियों के द्वारा जिला कलेक्टर को अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ से लेकर मंत्री जुलिस शहर विधायक संजय शर्मा को अपनी 11 सूत्रीय जायज मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। बढ़रोड विधायक को भी ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि नर्सिंग कर्मचारियों की मांग है कि वेतन विसंगति केडर रिव्यू निदेशालय स्थापना नर्सिंग स्टूडेंट का स्थायी फंड बढ़ाए जाने और स्टाफ की पदोन्नति के मांग को लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान पर कार्य पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। नर्सिंग अध्यक्ष राजपाल यादव ने बताया कि सरकार का अड़ियर रवैया है, सरकार मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 23 अगस्त को जयपुर में सभी नर्सेज कर्मियों द्वारा महारैली का आयोजन किया जाएगा। आज राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति अलवर के द्वारा प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज अलवर जिले के अंदर 8 से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा गया है। और नर्सेज जो एक सेवा के प्रोफेशन के रूप में जानी जाती हैं, नर्सेज ने हमेशा, चाहे कोरोना काल देख लीजिए, आप कहीं से भी काल में देख लीजिए, मरीजों की सेवा पे दिन रात एक करके डटी रही हैं। लेकिन एक ऐसे संवर्ग को भी आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो बड़ा शोचनीय विषय है। हम लगातार गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से 4.5 वर्ष तक निवेदन पूर्वक हमारी मांग रखते हुए आए हैं, लेकिन मजबूरीवश हमारा 18 जुलाई से धरना चल रहा है। उसके बावजूद भी जो हमारी जायज मांगे हैं, गैर वित्तीय मांगे हैं, सरकार के ऊपर फर्क नहीं पड़ा है। इसको लेकर के आज मजबूरीवश 2 घंटे का कार्य बहिष्कार नर्सेज को करना पड़ रहा है। और ये एक चेतावनी है सरकार को कि नर्सेज को हल्के में नहीं लें, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर आती हैं और जो मानव पीड़ा में लगी रहती है उन नर्सेज की धैर्य की परीक्षा नहीं लें। इसके पश्चात ब्लॉकवार क्रमिक आंदोलन होगा, 2 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। उसके बाद पूरे राजस्थान के अंदर 2-2 घंटे का सभी संस्थानों में कार्य बहिष्कार होकर के 23 तारीख को जयपुर में एक विशाल महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 50,000 से अधिक नर्सेज एकत्रित होंगी। और राज्य सरकार को भी ये सोचना चाहिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं और कहते भी हैं कि मांगते जाओ, देते देते नहीं थोड़ूंगा, लेकिन ऐसे संवर्ग को, जो नर्सेज संवर्ग को हड़ताल की जरूरत पड़नी पड़ रही है, तो मैं कहता हूँ कि इससे सोचनी बात नहीं हो सकती। इसलिए राज्य सरकार को संवेदनशीलता का निर्णय लेते हुए हमारी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करना चाहिए।